नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। इस वक्त धारवाड़ अंजुमन से एक बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले मैं धारवाड़ अंजुमन के पिछले दो ढाई साल के जो हालात हैं वो आपको बताता चलूं। दो साल तक इतला के मुताबिक यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहा, कोई मकामी बॉडी यहाँ पर नहीं बनाई गई थी। बिलाखिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हटाकर यहाँ पर इलेक्शंस करना तय हुआ। दो गिरोह के बीच बड़ी जोर के साथ यहाँ पर इलेक्शंस हुए और इलेक्शन के नतीज का इंतजार था। आवाम में इसको लेकर काफी दिलचस्पी देखी जा रही थी कि अचानक एक गिरोह ने इस पर स्टे लाया, कोर्ट के जरिए से इस पर स्टे लाकर इलेक्शंस के काउंटिंग पर स्टे लाई गई और उसको रोका गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 6 महीने तक इलेक्शंस की काउंटिंग रोक दी गई थी। 6 महीने का एक लंबा अरसा यहाँ पर गुजरा। और आपको ये भी बताता चलूं कि इत्तला के मुताबिक जो काउंटिंग के जो बॉक्स थे, जहां पर जो वोट डाले गए बॉक्स थे, उसका जो उसकी जो हिफाजत करनी थी, उसका रोजाना का खर्च तकरीबन 10 से 12 हजार था एक दिन के लिए। तो अब तक 6 महीने के लिए कितनी रकम हो सकती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद आज 6 महीने के बाद कोर्ट ने फिर ये हुक्म जारी किया है कि अब 31 तारीख को, इस महीने की 31 तारीख को उसकी काउंटिंग होगी और इसके नतायज सबके सामने आ जाएंगे। तो इस पर अवामी राय क्या है और अवाम इसको लेकर क्या सोचती है, इस पर हमारे नामा नगार शकील लाल मियां धारवाड़ के मकामी लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि अवाम की राय क्या है और अवाम इस नतीज को और इस इलेक्शन को और अंजुमन की नई बॉडी को लेकर क्या सोच रहे हैं, एक नजर इस पर। अंजुमन इलेक्शन के इंतखाबात हैं, शनिचर के रोज उसका रिजल्ट आने वाला है, आपको क्या लगता है कि कौन सा ग्रुप आएगा? पहले तमटकार ग्रुप था, वो लोग अच्छे थे, बहुत डेवलपमेंट किया है, अभी आगे आने वाले भी वैसा ही करेंगे करके ऐसा उम्मीद करते हैं। जो ये बिल्डिंग बनाई है वो टमाटकर ग्रुप ने ही बनाई है? हाँ बनाए हैं ना, अच्छा बनाए हैं। और उनसे और क्या उम्मीद रखते हैं आपके, वो और क्या करें? और अंजुमन संस्था और थोड़ा आगे बढ़े, और थोड़ा एजुकेशन में थोड़ा आगे लेके जाए, और थोड़ा मेडिकल कॉलेज वैसा भी सब बनाए वो लोग, ऐसा हमारा उम्मीद करते हैं। प्रेसिडेंट के जो उम्मीदवार हैं इकबाल जमादार साहब, उनके बारे में कुछ कहिए। वो तो बहुत अच्छा आदमी है, वो आए तो अच्छा रहेगा। अंजुमन इलेक्शन अंजुमन इलेक्शन आगे नाल्कु इन रिसल्ट बंद बराक मद्लिन प्रेसिडेंट चलो इार अदर हिंदर योगदान ऐति बंदार इवर चलो इन डेवलप अव नम आशे इकबाल जमादार प्रेसिडेंट आगे निर और हेदार और स्वल्प जन या मद्लिन हल्ले प्रेसिडेंट इवर वे बेरे बेरे अवर इवर चलो मतार मद्लू चलो मटार जवलीवर हिडकू चलो मटार एलू एलू योगदानू ऐति मनियाारू चलो मूंद संस्था उद्धार माड़ उद्देश्य के चलो दुड़दार मटार। हलो हाँ ಈಗ ಅಂಜುಮನ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಐತ್ರಿ, ಈಗ ಟಮಾಟಕ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಳ್ಳಿಮಣಿ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದೈತಿ, ಅವರ ಒಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಣ್ಣವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಚಲೋ. ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಇಬ್ಬರೂ ಓಕೆನೇ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಣ್ಣವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಮಾನ ಅಷ್ಟೇ. ಓ ಹಮಾರ ಯಾ ಧಾರವಾಡ ಮೇ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಇಸ್ತೀಸಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಕೌನ್ ಸಿ ಭಿ ನೀ ಹೈ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೆ ಲಿಯೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ये थोड़ा हुए तो बहुत अच्छा होता, और हॉस्पिटल्स कोई नहीं है मुसलमानों के लिए, अंजुमन के तरफ से कोई हॉस्पिटल नहीं है, इसके तरफ जब थोड़ा ज़्यादा जोर दिए तो अच्छा रहता, ये दोनों काम बहुत इम्पोर्टेंट है. शुक्रिया. इस्माइल तामड़कर उनका ग्रुप जीतेगा, उनसे क्या उम्मीद रखी है आपने कि अगर वो
अंजुम इस्लाम के इंतखाबात जीते हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? ऐसे तो बहुत सारे उम्मीदें हैं हमारे, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल जो ये सबसे बड़ी बीमारी है कोरोना, इससे बहुत से जहाँ पर कॉम्प्लेक्स है हमारा अंजुमन कॉम्प्लेक्स जो नया पुराना है, उससे क्या है बहुत से वहाँ पर जो रोज़गार है सब जने का, उसमें बहुत से लोगों को परेशानी है। अभी ये ग्रुप क्या भी आया बोलेगा तो उनको कुछ हेल्प हो सकता, मतलब उनके जो भाड़े गिड़े हैं वो कम होने के ऐसा उन्होंने सब जने उम्मीद लगा के बैठे हैं। अपोजिशन में इमरान कल्लीमनी साहब हैं, उनके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इससे पहले उन्होंने कहीं हमारे को नज़र नहीं आए, अभी बीच में आई देखे नहीं हमें उनके बारे में अभी तक, ऐसा क्या भी उन्होंने करें उसके बारे में आइडिया नहीं है। शुक्रिया। ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನಮಾಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಗ್ರೂಪಾಗಿ ಗೆಲ್ತೈತೆ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅಂಜುಮನದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರೇ ಗೆಲ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಐತೆ. ಹಾಂ, ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನನ್ನ ಗೆಲ್ಬೋದು ರೀ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಚಲೋ ಐತಿ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಯಾರ ಚಲೋ, ಅವ್ರೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ. 31 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಇಲೆಕ್ಷನ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಐತ್ರಿ, ಅದ್ರಾಗ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ? ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನಮಾಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಗ್ರೂಪಾಗಿ ಗೆಲ್ತೈತೆ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅಂಜುಮನದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರೇ ಗೆಲ್ತಾರ ಅಂತಂದೇಳಿ ಮೊದಲಿಗೆಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಐತೆ. ಹಾಂ, ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನನ್ನ ಗೆಲ್ಬೋದು ರೀ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಚಲೋ ಐತಿ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಯಾರ ಚಲೋ, ಅವ್ರೇ ಗೆಲ್ತಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮುಜೆ ಉಮೀದ್ ಹೈ ಕಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಾಮಡ್ಕರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಡೀ ಪೈಮಾನೆ ಪೇ ಚುನ್ಕೆ ಆಯೇಗಾ, ಔರ್ ಮುಜೆ ಉಮೀದ್ ಹೈ ಕಿ ದೋ ಕಾಮ್ ಅಚ್ಛೆ ಕಿಯೇ ಹೇ ವೋ, कब्रस्तान कंपाउंड का वाल किए हैं, ईदगाह मैदान का काम करे हैं और कॉम्प्लेक्स का काम किए हैं, आइंदा उम्मीद है मुझे कि वो ग्रुप वो भी ऐसा ही काम करेगी। इस्माइल तमाटकर अगर ग्रुप जीते जीता ये बोले तो उन्होंने बहुत अंजुमन काम बहुत काम कर रहे हैं, दुकाना भी अंजुमन कॉम्प्लेक्स बंद है, अब दूसरा नेक्स्ट दूसरा कॉम्प्लेक्स भी बंद है, और कब्रस्तान का बहुत बड़ा मसला था, वो कंपाउंड नहीं करे थे, कंपाउंड का काम उनके इसमें बहुत बड़ा काम हुआ है, कंपाउंड है पूरा हमारा कब्जा हो को हमारे हाथ में है, अंजुम कब्रस्तान का बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ, उसके असर ये बार इस्माइल तमड़कर का ग्रुप ही आता करो है। और उनके साथ साथ वो प्रेसिडेंट के सीट को जो है इकबाल जमादार साहब ठहरे हैं और वाइस प्रेसिडेंट को बेटकेरी ठहरे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? उन्होंने पहला भी हुआ वाइस प्रेसिडेंट रहे सोले है इकबाल जमादार उन्हों, और उनको भी तजुर्बा बहुत है, उसके असर इस्माइल तमाटकर उनका साथ मिले तो भी उन्होंने अध्यक्ष सीट मुतल ये हमारा प्रेसिडेंट सीट बहुत अच्छा निभाते हैं, घर को लगता हम आगे चलो। वहाँ पर एजुकेशन के जो अभी माहौल है उसका थोड़ा एजुकेशन डेवलपमेंट कर बीएससी वापस लेकर आकर ITI वगैरह कॉलेज खोले तो बहुत अच्छा होता। आपको क्या लगता है कि कौन इस इलेक्शन में जीतेंगे? नतीज का बहरहाल तो हम लोग बता नहीं सकते हैं, मगर बहरहाल जो भी है एजुकेशन के लिहाज से एजुकेशन रिफॉर्म्स होना बहुत ज़रूरी है, खास करके टेक्निकल एजुकेशन की तरफ भी तवज्जो दी जाए तो इस बार बहुत अच्छा होगा। तो आपको ये नहीं लगता कि इस बार जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें दो ग्रुप, एक इस्माइल तमाडकर ग्रुप का है एक कल्लीमनी ग्रुप का है, उसमें क्या लगता है आपको कि कौन सा ग्रुप जीतेगा? ग्रुप के वो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा जो भी हो फैसला, मगर ये बात ये होना चाहिए कि अंजुमन का जो ये है इदारा है वो एक एजुकेशन इदारा है, तो ख़ास तौर पर तवज्जो जो है एजुकेशन की तरफ दी जानी चाहिए, जो भी मतलब जो भी पार्टी आएगी वो उसके लिए काम करना बेहतर होगा। और प्रेसिडेंट के पोस्ट को जो है इकबाल जमादार साहब ठहरे हैं और वाइस प्रेसिडेंट बेटकेरी साहब हैं, सेक्रेटरी नज़ीर मनियार साहब हैं और जॉइंट सेक्रेटरी जो है शकील टमाटकर साहब हैं, इनके बारे में आप इनके ताल्लुक से कुछ कहिए। नहीं, उनके पिछले रिकॉर्ड्स के हिसाब से पिछले भी पार्टी पिछले जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनके साथ भी वो काम कर चुके हैं, उनको अच्छा खासा तजुर्बा है इस मामले में, तो वो एजुकेशन की तरफ वो कर सकते हैं, अगर वो आएंगे तो वो भी अच्छी तरह एजुकेशन रिफॉर्म्स और अंजुमन के लिहाज से कर सकते हैं।
31 तारीख को अंजुमन इस्लाम धारवाड़ के इंतखाबात के नताइज आने वाले हैं, लेकिन धारवाड़ के लोगों की ओपिनियन पोल से ये लगता है कि इस्माइल टमाटर ग्रुप का पल्ला भारी है। यस इंडिया के लिए शकील लाल में की ये रिपोर्ट। तो जिस तरह आपने देखा कि आवाम में एक अमूमी तौर पर किसी जीत किसी की भी हो, जब दो गिरोह हैं तो कोई एक जीत सकता है, लेकिन एक खास गिरोह की तरफ, एक खास जो ग्रुप है उसकी तरफ आवाम का झुकाव ज्यादा है, लेकिन नतायज कुछ भी आ सकते हैं और किसी एक गिरोह की यहाँ जीत तो तय है, लेकिन बावजूद इसके एक अमूमी तौर पर आवाम की जो राय है वो ये है कि कुल मिलाकर अंजुमन इस्लाम धारवाड़ तरक्की करे और जो कुछ भी पिछले सालों, पिछले दो ढाई सालों में यहाँ के काम बाकी हैं, जो पेंडिंग है, वो काम तामीरी तौर पर वो काम हो जाए और किसी न किसी तरह से कौम की फलाह बहबूदी हो और धारवाड़ शहर में अंजुमन से आवाम को काफ़ी फायदा पहुँचे, यही उम्मीदें आवाम में देखी जा रही है। तो हम इस खबर पर बने हुए हैं और 31 तारीख के जो नतीजे आएंगे वो आप तक जरूर पहुँचाएंगे। अपने अतराफ अखनाफ की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए एस इंडिया।